अमेठी में इस बार राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा है। वो इसलिए क्योंकि एक तो वो अमेठी के अलावा दूसरी सीट वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी बात यह कि अमेठी में स्मृति ईरानी की सक्रियता अमेठी को सबसे दिलचस्प जंग में तब्दील कर रही है। हालांकि 2014 की तरह 2019 में अमेठी में पीएम मोदी ने रैली तो नहीं की, लेकिन बीजेपी की पूरी फौज अमेठी में जरूर डटी रही। राहुल गांधी का बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पहला चुनाव है, इसलिए हर मायने में यह राहुल गांधी की साख का ही चुनाव लगातार बना हुआ है। यहां का सियासी आकलन क्या है जरा समझते हैं पैनल से। आशीष जी, जी एकदम अमेठी सीट है, रायबरेली से सटी हुई, गांधी परिवार से जुड़ी हुई दूसरी सीट जो है, और कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर पूरे देश में चर्चा ये रही बार बार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी फोकस में रहा। उसका कारण सबसे बड़ा दो कारण थे, एक तो स्मृति ईरानी जो पिछली बार कम मतों से हारी थी, इस बार फिर से वो ज्यादा ताकत से चुनाव लड़ने आई और बीजेपी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि सीट पर राहुल गांधी को घेर लेंगे, और जब राहुल गांधी वायनाड चले गए केरला तो उसके बाद कहीं ना कहीं और ये ज्यादा बल मिलने लग गया कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस को इस सीट पे कोई खतरा नजर आ रहा है जो दक्षिण चले गए। हालांकि कांग्रेस ने उसको जस्टिफाई किया, मगर ये सीट जो है कीनली कॉन्टेस्टेड सीट थी। मैं खुद भी यहां गया था और यहां पर जितनी ताकत से कांग्रेस लड़ रही थी अपने पारंपरिक तरीके से, उसी तरीके से जो बीजेपी का नया इमरजेंस अमित शाह का जो मॉडल है चुनाव लड़ने का, वो मुझे देखने को मिला। और पूरे ताकत से बूथ मैनेजमेंट जो है बहुत ही जबरदस्त था, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि तमाम तरह के वोटिंग के दिन भी जो है, पिछली बार भी 2014 में भी और इस बार भी वोटिंग के दिन जो है आपस में बूथों पे जो है कॉन्फ्लिक्ट और तमाम तरह के विवाद होते रहे। कीनली कॉन्टेस्टेड सीट थी, मगर दो अहम फैक्टर जो है यहां काम कर रहे थे। एक तो मायावती का एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुला समर्थन कर देना कांग्रेस को वहां पर, यह बहुत क्रूशियल था, चूंकि यह वो बेल्ट है जहां बसपा का अपना कैडर वोट है। पिछले चुनावों में भी अमेठी में जब जब बसपा लड़ी है तो एक कैडर वोट इसका फिक्स है, यहाँ 1-1.5 लाख वोट बसपा का वोट है, वो पूरी तरीके से अगर ट्रांसफर होता है या थोड़ा बहुत भी होता है तो ये राहुल गांधी के एडवांटेज के लिए है। दूसरी बात जो अहम है कि 2014 में यहाँ पर जो कवि हैं कुमार विश्वास, वो लड़े थे आम आदमी पार्टी से और उन्होंने अच्छा खासा एंटी मोदी वोट काटा था, वो वापस, अब चूंकि वहां आम आदमी पार्टी नहीं है, कुमार विश्वास नहीं है, वो वोट वापस कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास जाएगा, तो ये एडवांटेज उनके पास आ रहा है। मगर स्मृति ईरानी इस बार बहुत कांटे की टक्कर दे रही है, ये सीट वो है जो ज्यादातर सर्वे बता रहे हैं कि बहुत ही कीनली कॉन्टेस्टेड है, टक्कर की सीट है। मगर फिर भी 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आखिरकार लोग नाराज हैं वहाँ राहुल गांधी से, बोलते हैं कि हमारी बात नहीं सुनते, यहाँ काम नहीं हुए, मगर आखिरकार प्रतिष्ठा की सीट होती है, कहीं ना कहीं गांधी परिवार से जुड़ा हुआ होता है, काम के आधार पर नहीं नाम के आधार पर लोग जाके वोट दे देते हैं, ये सोचते हैं कि चलिए कहीं प्रधानमंत्री बन जाएगा अमेठी से एक बार फिर से, तो ये एडवांटेज राहुल गांधी के पास है। इसलिए न्यूज़ वन इंडिया का हमारा अपना आकलन ये है कि अमेठी की सीट राहुल गांधी जीत रहे हैं कड़े मुकाबले में, और ये वो सीट है जो राहुल गांधी के बारे में ये बताया जा रहा था कि यहाँ मुश्किल हो सकती है, मगर हमारा अपना आकलन है कि अमेठी की सीट जीत रहे हैं। यहाँ जरूर कुछ डिस्कशन की गुंजाइश होगी। मैं ये कहना चाहूंगा आशीष जी कि यहाँ पे स्मृति ईरानी लगातार 5 साल तक लगी रही और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो पहले बहुत मामूली स्थिति में थी उसका बहुत बड़ा विस्तार किया उन्होंने, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एग्जिट पोल में इंडिया टुडे ने इनको जो है हारते हुए दिखाया है, तो बड़ा मुश्किल है मुझे कहना कि एबीपी निल्सन ने जीते हुए दिखाया है। नहीं देखिए ओपिनियन एग्जिट पोल्स बटे हुए हैं अमेठी को लेकर, मगर जैसा मैंने कहा कि आखिरकार जो फैक्टर काम किया है राहुल गांधी के पक्ष में वो ये है कि काम नहीं नाम, जैसा मैंने कहा अमेठी के साथ गांधी परिवार का नाम जुड़ा हुआ है, लोगों ने यह माना कि स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया है, मगर आखिरकार उनको यह लगा कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार से नाम जुड़ा हुआ है, ये नाम खराब ना हो। और सहानुभूति की जैसा आप बता रहे थे विपिन जी कि जब बड़ा नेता लड़ता है तो एक सहानुभूति होती है जो अंतिम समय में जुड़ती है, तो लोग नाराज थे, तमाम तरह की बातें हो रही थी, आखिरकार हमारा अपना आकलन है जो हमने वोटर से बात की है और वहां के स्थानीय लोगों से कि आखिरकार राहुल गांधी को लोगों ने वोट दे दिया और वो जीत रहे हैं। अच्छा जी एक बात कहना चाहूंगा, देखिए 5 साल तक स्मृति ईरानी जी वहां गई, एक सबसे बड़ा इसमें नेगेटिव फैक्टर एक ही है सर कि राहुल गांधी जी वायनाड गए क्यों, यूपी छोड़ के वायनाड जाने का कोई जमीनी कारण है जिसका आकलन कांग्रेस पार्टी ने खुद से किया है, चाहे वो कुछ भी बोले, मुझे ये खतरे की सीट नजर आ रही है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। जी मंजू जी का खतरे की सीट है? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल खतरे की सीट नहीं है। जो आम आदमी पार्टी वाला जो पिछली बार जो मिला था कुमार विश्वास को, प्लस बसपा के इस तरह से समर्थन में आना, प्लस दूसरा फैक्टर ये भी है कि राहुल गांधी इस समय कंटेंडर हैं प्रधानमंत्री के लिए। विपिन जी क्या ये एडवांटेज चला गया, लोगों ने कहा कि चलिए मोदी जी तो हैं, मोदी जी हैं, मगर मोदी जी आएंगे, मगर यहां से तो हमारा एमपी नहीं लड़ रहा है ना, स्मृति ईरानी तो केंद्रीय मंत्री लड़ रही है। इससे पहले सोनिया गांधी जी की सीट की बात कर रहे थे, वहां पर बीजेपी की ये पॉलिसी नहीं थी कि हमें सोनिया गांधी को हराना ही हराना है, मगर ये एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी ने अपना पूरा वर्चस्व लगाया हुआ है कि राहुल गांधी। अमित शाह का जो रोड शो हुआ था, मैं अंतिम दिन जो प्रचार का अंतिम दिन था मैं गया था, बहुत ही मेगा रोड शो हुआ था, वो देख के लग रहा था कि खतरे की घंटी है, मगर हमारा अपना आकलन है कि आखिरकार जैसा मैंने कहा कि एक सांसद नहीं एक प्रधानमंत्री चुनने की बात आई तो राहुल गांधी को वोट पड़ गए।
और अभी तक सभी पार्टियों के जो प्रेसिडेंट हैं उनमें से राहुल गांधी है जिनको डर है कि वो इस इलेक्शन को हार सकते हैं और क्योंकि लेकिन मेरी समझ से आप इस बात को मेरी नोट कर लीजिए, लगभग लगभग 1 लाख वोट से ज्यादा से इस बार जीतेंगे, 1,07,000 पिछली बार जीते थे और मैं नहीं मानता दूसरी बार उनकी वाइफ ने बीजेपी ज्वाइन किया सर, वो भी लास्ट टाइम जो कम जीत अमेठी जैसा मैंने कहा बहुत ही जितना कीनली कॉन्टेस्टेड फील्ड में था वही स्टूडियो में भी उतना ही कीनली कॉन्टेस्टेड है, मगर जो मैं बता रहा हूं बार बार कि आखिरकार हमारा जो अपना आकलन है वो ये कि एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई अमेठी में हुई है, मगर जैसा मैंने कहा कि एक सांसद और केंद्रीय मंत्री चुनने की जगह शायद अमेठी ने ये सोचा हो कि कहीं ना कहीं एक जो रिश्ता है गांधी परिवार से उसको बचाया जाए, और आखिरकार हर बार यही होता है कि नाराजगी होती है, लोग तमाम तरह की बातें करते हैं और वोट दे आते हैं, सोचते हैं कि कहीं प्रधानमंत्री अमेठी से बनेगा तो जो एक उम्मीद होती है उसी उम्मीद पे सहारे से जो दुनिया चल रही है उसी पे अमेठी के लोग भी शायद चल रहे हैं, तो अमेठी राहुल गांधी को एडवांटेज